एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सबा और मेरा नाम है हिबा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पसंद की शादी, बयान बाय मौलाना तारिक जमील साहब। तो चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है फिर तो माँ बाप पहनाते हैं, जब वो होश में आ जाता है तो वो लिबास अपनी पसंद का लेता है, माँ की पसंद का नहीं लेता, बाप की पसंद का नहीं लेता है। तो लफ्ज़ लिबास में इशारा है कि वालदैन को चाहिए कि शादी में अपनी बेटी और बेटे की पसंद का ख्याल रखें। ये लफ्ज़ लिबास बता रहा है कि जब हम छोटे थे हमें माँ बाप जो पहनाते थे हम पहन लेते थे, जब से हमने शऊर में कदम रखा है तो अब हम अपना लिबास खुद ही खरीदते हैं, चाहे वो नीला हो, पीला हो, काला हो, सफ़ेद हो। मुझे सफ़ेद पसंद है, ज़िंदगी गुजर गई सफ़ेद कुर्ते शलवार में। तो लिबास में इस बात की तरफ इशारा है कि लड़के लड़की की पसंद और नापसंद को देखा जाए। हमारे मुआशरे में बेटियों से तो पूछता ही कोई नहीं और बेटों पर भी मुसल्लत करते हैं, ऐसे ही करनी है, बस हमारा फैसला है। वालदैन से कहता हूँ अल्लाह के वास्ते, ये अल्लाह ने शरीयत ने हक रखा है बच्चे बच्चे का, मैंने कबूल किया। लड़का कहता है, बाप तो नहीं कहता है। तो जो जिसने कहना है मैंने कबूल किया तो वो कबूल तो करे। एक साहब ने आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मैंने वो निकाह का पैगाम दिया है। तो आपने फरमाया, तो वो लड़की को देखा है? कहा जी नहीं। आपने कहा देख लो कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, देख लो। इतनी गुंजाइश रखी है कि लड़का लड़की बैठें, आपस में बैठें, एक दूसरे को देख लें, बातचीत कर लें, तो उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारा माहौल है कि ये भी हिंदू से आया हुआ मुआशरा है कि वो ज़ात पात में फंसे हुए थे, बस हमने राजपूतों में करना और कहीं नहीं करना, हमने जाटों में करना और कहीं नहीं करना, हमने अरानियों में करना और कहीं नहीं करना, हम ये हैं, हम इसके अलावा और कहीं नहीं करते। ये पूरे हमारे माहौल में एक चीज़ रची हुई है। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चियों के फ़ोन आते हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती करें तो फिर मान जाओ, मान जाओ, कुर्बानी दे दो, फिर बगावत ना करो, कुर्बानी दे दो। क्योंकि एक इसके ज़िद में इंतहा की बात हो रही, वो है कोर्ट मैरिज, के बाज़े बच्चे बच्चियाँ इतने बागी हो जाते हैं कि वो अदालत में जाके अपना निकाह कर लेते हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता कि माँ बाप की दुआएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप ज़्यादती करने पर आ गए हैं, मान जाओ, मान जाओ और अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक उसमें आपके लिए बेहतरी की शक्लें बताएगा। इस कैमरे के ज़रिए से लोग जो सुन रहे हैं, सारा मुल्क तो नहीं सुन रहा है लेकिन जो सुन रहे हैं, ये शादी बच्चे का मामला है, बच्ची का मामला, अल्लाह के वास्ते पूछा करो, पूछे बगैर करना ज़्यादती है। तो चलो हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। इसका टॉपिक है पसंद की शादी। पसंद की शादी मेरे हिसाब से गलत नहीं है, हाँ। मतलब कंसेंट मैटर करता है, पूछ लेना चाहिए कि आपको करना है या नहीं, अपने बेटे बेटी से जो भी है। हाँ, मतलब पेरेंट्स को होना चाहिए कि वो अपने बेटी से, वो अपने बेटे से पूछे कि वो शादी करना चाहते हैं और वो एक पर्टिकुलर आदमी है जिसके लिए वो रिश्ता, जिस आदमी या औरत या लड़की जिसका भी वो रिश्ता ला रहे हैं अपने बच्चे के लिए, उसे दिखाए या उससे पूछे कि वो उससे शादी करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, मतलब कि हाँ, क्योंकि शादी तो बच्चों को ही करनी है और आगे पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लोगों की जिंदगी का। और थोपना भी नहीं चाहिए कि हाँ, हम लेकर आकर तो ऑब्वियसली करनी है। हाँ, मतलब अगर ये है कि कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे तारिक मौलाना जमील साहब ने भी कहा कि पेरेंट्स भी कभी कभी जिद कर लेते हैं, वो पसंद कर लेते हैं किसी को और फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इसी से शादी करनी है, तो और बच्चे भी राजी नहीं होते। कभी कभार ऐसा होता है तो बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे उन्होंने कहा कि
तब झुक जाना चाहिए थोड़ा। तो मैं, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए उस टाइम, कि लोग झुक जाएं या लोग बगावत कर लें। लेकिन मेरे ये भी है कि बगावत ना करें। कभी कभी माँ बाप जो सोचते हैं वो अच्छे के लिए ही सोचते हैं। माँ बाप आपके लिए कभी गलत नहीं कर सकते। हाँ, पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि माँ बाप बच्चों से पूछे उनका कंसेंट। हाँ, है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जीना तो बच्चों को ही है। वो कबूल है, बोल रहा है कि मुझे कबूल है, लड़की और लड़का जब ये निकाह के टाइम पे बोलेंगे, शादी के टाइम पे, तो ये उनको कबूल है। पेरेंट्स को कबूल थोड़ी जैसे तारी जमीन साहब ने बोला कि शादी दो बच्चों के बीच में होती है, उन्हें जिंदगी साथ गुजारना है। तो भाई पहले उनका मिलना भी इम्पोर्टेंट है, एक मरतबा बात करना भी जरूरी, एक दो मरतबा बात करना, मिलना कि देख लें कि वो किस इंसान से शादी कर रहे हैं। और बच्चों की हामी बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत कदम उठा लें। ये चीज भी गलत है कि अगर ना करना एक अलग चीज है, पसंद ना आना अलग चीज है, लेकिन अपनी मर्जी से एकदम अपना चलाना वो भी गलत है। हाँ, तो चलो हम हमारी वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।